T20I ट्राई नेशन सीरीज की भी आज कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई और जो पहला मैच हुआ वो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम रहा। जी हाँ, अगर आप देखें 450 रन करीब करीब पड़े हैं दोनों टीमों के इनिंग्स को अगर आप मिला दें तो 450 रन पड़े हैं इस पूरे 40 ओवर के मैच में। T20I में पहले मैच में बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम था क्योंकि फुल बैटिंग विकेट थी और बहुत ही जबरदस्त बल्ले पे आ रही थी, बॉल्स के अलावा कुछ था नहीं इस पिच पर, तो इतना हाई स्कोरिंग जो गेम है वो होना ही होना था। शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से और इसी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाइबिया मैच हारा कहाँ पर और किन से और यूएई मैच जीता था। बिल्कुल, 1-6 ओवर की बात करें तो यूएई ने 72 रन किए, 72 रन बिना विकेट गवाए। वहीं नाइबिया ने 63 रन किए एक विकेट के नुकसान पर। पहला जो फेस है वो यूएई के नाम रहा बहुत स्ट्रांगली। 7 से 15 ओवर की बात करें मिड फेस की तो यहाँ 110 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर यूएई ने, और नाइबिया ने 102 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। यह फेस भी यूएई के नाम रहा 2-0। और डेथ फेस की बात करें 16 से 20, तो इस फेस में 63 रन बनाए यूएई ने एक विकेट के नुकसान पर, और नामीबिया ने इस फेस में 40 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर, और फेस भी हारा और साथ में मैच भी नामीबिया हार। बिल्कुल, डॉट बॉल्स यूएई ने 28 खेली और नाइबिया ने 39 डॉट बॉल्स खेली। अब देखिए इस फेस से समझते हैं, पहला फेस बाय फेस जो आप देख रहे हैं वहां पर 9 रन से नाइबिया पीछे रह गया, उसके बाद दूसरा फेस बाय फेस जो रहा वहां पर 8 रन से नाइबिया पीछे रह गया, 17 रन का डिफरेंस था। 15 ओवर तक आते आते यूएई नाइबिया का स्कोर यूएई के मुकाबले 17 रन कम था। उसके बाद डेथ फेस में कहानी पूरी खत्म हो गई। डेथ फेस में नाइबिया जो है एक जबरदस्त आगे बात जरूर करेंगे बॉलर के, लेकिन नाइबिया जो है पूरी तरह से यहाँ पर धराशायी हो गया और मैं 30 गेंदों में आखिरी के मैच 40 रन को जोड़ने में कामयाब रही, बहुत ही कम थे। यानी शुरुआत अच्छी दिलाई बैट्समैनों ने, मिड फेस में भी बांधे रखा टीम को, लेकिन डेथ फेस में टीम जो है कुछ से बिखर गई और उसी फेस में टीम जो है इस चेस में कहीं ना कहीं दूर रह गई एक अच्छे खासे रन से, लगभग 40 रन से मैच को गवा बैठे। ये हाल है फेस बाय फेस का। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर आप देखें ओपनर्स ने 130 पे ही पहला विकेट कहीं ना कहीं गिरा, अलीशान ने बहुत तेज दरार 33 गेंदों में 73 किए, मोहम्मद वसीम ने 89 किए, वो अपने चौथे शतक से चूक गए T20I में, सूर्य कुमार यादव की बराबरी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक शतक उनका रह गया 11 रन से, और वो जबरदस्त खेल रहे थे। आसिफ खान ने भी आकर 22 गेम 39 किए, वासिल हमीद ने जैसे दिखाया ना बैटिंग पिच थी तो जो भी आ रहा था वो भर भर के फायदा उठा रहा था पिच का, और ये नाइबिया के बैट्समैनों ने भी किया, लेकिन यहाँ पर यूएई ने भी किया, लेकिन यूएई ने थोड़ी और ज्यादा और उनके मुकाबले, और फिर बॉलर्स ने बहुत अच्छा यूएई के काम जरूर किया खास करके एक बॉलर ने। कुल मिलाकर 245 यूएई पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर, जो कि उनका T20I में सबसे हाईएस्ट टोटल है और किसी भी एशियन टीम के तरफ से एशिया के बाहर ये सेकंड सबसे बड़ा टोटल है T20I में। ये अपने आप में बहुत यूनिक रिकॉर्ड बनाया है। एंड नाइबिया के बॉलर्स की बात करते हैं, पिच इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी बॉलर्स के मुकाबले, फिर भी एक अच्छी लेंथ पर डालकर कैसे बता सकता था वो एक यूएई के एक बॉलर जवाब दिला ने जरूर दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कुछ और बेहतर बॉलिंग की जा सकती थी, अच्छे डाले जा सकते थे? बिल्कुल डाले जा सकते थे। आप ये देखिए, अगर ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेस के हाइट के आसपास का बॉल ट्राई किया जा सकता था जो दिखा नहीं है इतना हमें यहाँ पर, और काफी ज्यादा स्लॉट एरिया में फुल लेंथ बॉले भी नजर आए, लेग साइड में नजर आई हैं बॉले। बॉलिंग उस लिहाज से कहना होगा कि बैटिंग विकेट के लिहाज से स्टंप लाइन पर होना बहुत जरूरी था जो हमें दिखा नहीं, और अगर आप शॉट डाल रहे हैं जैसे बॉलर ने डाला भी एक आध बॉले, वो बहुत स्लो स्पीड में थी, इतनी स्पीड थी नहीं कि बैटिंग विकेट पर इस तरीके की स्लोइश बॉले पारी गिरती हैं, वो स्लोइश बॉले स्लोअर पिचेस पर काम आ सकती है बैटिंग विकेट पर नहीं। तो स्टंप लाइन पर नाइबिया के बॉलर्स ने बहुत ही कम आज बॉलिंग कराई। बिल्कुल, रूम काफी दे दिया कहीं ना कहीं अगर आप देखें यहाँ पर तो, खैर और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा जहां पर लगभग 250 रन यूएई ने बोर्ड पर लगा दिया। चेस करने के लिए जब नामीबिया आया दमदार शुरुआत हुई, उन्होंने भी दमदार शुरुआत की और उन्होंने भी यूएई के बॉलर्स के जम की यहाँ पर खबर 63 रन पहले फेज से बनाए, मिड फेज में भी 102 रन जैसे आपको बताया 100 रन बनाए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जेपी कॉर्ड से अच्छी शुरुआत दिलाई 55 रन किए, यान फैनिंग 15 गेंदे 20 रन, यहाँ पर जो यान फैनिंग का लॉफ्टी डाउन है इनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा और बड़ा चाहिए था, जिन्होंने शॉप बहुत छोटे छोटे रन किए हैं 20-25 वाले, ये बढ़कर 44-45 या 50 तक जाते तो नाइबिया चेस डाउन रहता ताकि नीचे और टीम में बैटिंग नहीं जाती जो स्ट्रगल कर रहे थे रन करने के लिए। फिर गिराट और जेजे स्मिथ के बीच में एक तगड़ी पार्टनरशिप हुई और देखिए यहां पर भी वो 30-35 की गाड़ी पे ही जाकर अटके, वो एक बड़ी इनिंग निकलकर नहीं आई, जो अलीशान और मोहम्मद वसीम ने खेली थी वो इनिंग यहां पर देखने को हमें मिली नहीं, तो छोटी छोटी स्कोर तक वो पहुंचते वो इतना ही पहुंच पाए कि 205 तक गाड़ी पहुंची, बाकी लोअर ऑर्डर के कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ
कुछ भी खासा यहाँ पर रहा नहीं। एंड यूएई की बॉलिंग की बात करते हैं, यूएई की बॉलिंग में भी काफी भरकर रन उठाए, खास करके 15 ओवर तक काफी रन उन्होंने भी भरकर उठाए, 17 रन ही वो दूर थे यूएई के स्कोर से नाइबिया वाले। लास्ट फेस में और बॉलिंग का ऑलरेडी आप देख रहे हैं कहां पर ये मैच चेंज हुआ और कौन से बॉलर थे जिन्होंने यूएई के लिए रुख बदल दिया, वरना 15 ओवर तक तो नाइबिया जबरदस्त इस मैच में बना हुआ। नहीं सर, देखिए हम बात करें जवादुल्ला की, जवादुल्ला वो बॉलर रहे हैं जिन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है, 3 विकेट निकाले हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने कराई है और 16वां ओवर इस ओवर नामीबियन ओवर का 16वां ओवर जो था जो जवादुल्ला लेकर आए वो टर्निंग पॉइंट था। वहां तक नामीबिया बहुत स्ट्रांगली जा रहा था मैच में, यूएई के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वहां वो आए और उन्होंने जो कमेंडेबल परफॉर्मेंस करके दिखाया है वो आउटस्टैंडिंग है। जिस तरीके से ग्राहक को लेकर गए, जैसे स्पीड भी उस उनके शिकार आगे चल डिविलियर्स, जी हाँ, बैक टू बैक 15.5, 15.6 में LBW हुए वो, बहुत शानदार उन्होंने बॉल कराई, वो सिर्फ 7 रन खर्च किए उसने, कमेंडेबल परफॉर्मेंस रहा है जवादुल्ला का। वो स्पेल आया उसके बाद एक धड़ाम से नाइबिया गिरी है और उठी नहीं पाई। बिल्कुल सही कहा, वो 16 ओवर जो आया जवादुल्ला लेकर आए, 7 रन खर्च किए और 2 विकेट उन्होंने निकाले अगले ओवर में, हैट्रिक चांस भी थे, हैट्रिक हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन वहां उसके बाद से नाइबिया पूरी से बेपटरी हो गया और 30 गेंदों में मैच 40 रन बना पाया डेथ फेस में और मैच में कहीं ना कहीं दूर हो गया और 40 रन से इस मैच में गांव बैठा, जहां पर एक वक्त पर 15 ओवर तक भी ये लग रहा था कि जिस तरह से जा रहे हैं दोनों शायद इस मैच को खींच कर लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। एट द एंड यूएई ने इस हाई स्कोरिंग गेम में जीत दर्ज की, शुरुआत जीत के साथ की है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी, कुछ रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए, कम्युनिटी टैब में जाकर जरूर चेक करें।